ॐ महागणेशाय नमः। ॐ गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊँ या थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अगली वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मैं तो देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से देखी जा सकती है और चंद्र राशि लग्न राशि में दोनों में से कुछ भी नहीं पता आपको तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों मैं अभी क्या देखिए चर्चा करूँगा। जैसे मैंने बताया देखिए अभी 7 मार्च से 26 मार्च तक राहु और बुध का योग बन रहा है तो राहु बुध की युति कुछ राशियों को तो लाभ नहीं देगी। राहु बुध की युति कुछ राशियों को परेशान कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है। वो कौन राशियां हैं देखिए जो कि बुध की राहु के जड़त्व योग से नुकसान पा रही हैं। जड़ता आ रही है तो एक्टिविटी कम हो जाएगी और जड़ता आने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो उन राशियों की चर्चा जो राशियां देखिए 4 राशियां हैं शायद कुल वो 4 राशियां हैं जिनको सावधानी बरतनी है। राहु के बुध के जड़त्व योग से नुकसान पा रही हैं। देखिए पहली राशि जो कि राहु के बुध के से नुकसान पाएंगी वो है मेष राशि। हालांकि मेष राशि का हमने कहा है कई बार स्वर्ण काल शुरू हो चुका है, स्वर्ण काल चल रहा है, पर ये जो है खाली मैं इस समय बुध की और राहु की जड़त्व योग की बात कर रहा हूँ। और बुध का 7 मार्च से 26 मार्च तक का टाइम बता रहा हूँ जो कि बुध की वजह से राहु के। बाकी और ग्रह क्या कर रहे हैं बृहस्पति शनि या शुक्र या मंगल वो अलग चर्चा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उससे लाभ मिल रहा है तो लाभ मिलेगा मिलेगा, पर ये मेष राशि को राहु और बुध का जड़त्व योग इस समय आपको जड़ता प्रदान करेगा, नुकसान प्रदान करेगा मेष राशि वालों के लिए। भाई ये जड़त्व योग जो है देखिए 12वें भाव में होंगे ना, 12वां भाव जो है विदेश का भाव है तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, विदेश जाएंगे तो लाभ पाएंगे। अब विदेश नहीं जाएंगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा ना, फिर तो खर्चे के भाव है। बुध खर्चा कराएंगे, राहु खर्चा कराएंगे, बीमारी में खर्चा हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, धन का भी अनायास ही धन का भी हो सकता है। घरेलू कामों में आप होशियार रहिए भाई, धन का इस्तेमाल कर रखिए, धन की कमी आपको परेशान कर सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो टाइम है देखिए, और देखिए मैं और बताऊँ आपको यही टाइम जो है 9 अप्रैल से 10 मई को भी आएगा। ये 2 टाइम समझिए, क्योंकि जब बुध बकरी हो गए वापस आएंगे यानी मीन राशि में, तो मीन राशि में फिर आएंगे लौट के बुध, अभी आगे बढ़ेंगे फिर आएंगे। तो उसके बाद जो है 9 अप्रैल से 10 मई तक जो टाइम है करीब 1 महीने का समझ लीजिए, ये टाइम फिर जो है बुध का और मीन राशि में रहेंगे तो राहु के साथ बनेगा। तो ये 2 टाइम लगा लीजिए यानी 7 मार्च से 26 मार्च तक और 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध और राहु का योग मेष राशि को परेशान कर सकता है धन की वजह से, क्योंकि 12वें भाव में राहु हैं और 12वां मीन राशि 12वें भाव में है। तो एक राशि जो कि नुकसान पा रही है, धन की हानि हो रही है, धन की वजह से परेशानी आ रही है, कामों के लिए धन नहीं मिलेगा, जो आप काम चाहते करना उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन नहीं होगा तो आप दुखी होंगे। दूसरी राशि देखिए है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखिए 8वें भाव में यानी मीन राशि आएगी 8वें भाव में, राहु 8वें भाव में है, स्वास्थ्य का भी थोड़ी चिंता हो सकती है, धन की भी चिंता हो सकती है। राहु का बुध का जड़त्व योग धन भाव में दृष्टि पड़ेगी, राहु की बुध की अष्टम से सागर में, तो देखिए लाभ मिलते मिलते रुक जाएगा। अचानक से जो है लाभ मिलने वाला था, पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, वो उसमें कमी आ जाएगी। देखिए घर में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, घर के समाज में घर में परिवार में टेंशन हो सकती है, परिवार के व्यक्तियों में टेंशन हो सकती है, क्योंकि दूसरा भाव पर दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव से। तो आपने परिवार के सीनियर्स व्यक्तियों से जरा अच्छा संबंध बना कर रखिएगा, वाणी को मधुर रखिएगा। भाई बुध जो है
वाणी पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन जो अष्टम भाव से देख रहे हैं दूसरे भाव को, तो वाणी खराब करेंगे तो भाई नुकसान होगा। इसलिए सिंह राशि वालों, मेष राशि वालों को भी धरो को, ये जो टाइम बनेगा यानी 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक और फिर 9 अप्रैल से 10 मई तक, ये दोनों ही टाइम राहु का और बुध के जड़त्व योग से जड़ता प्रदान करेगा, आपको धन की हानि करेगा, मस्तिष्क आपका दिमाग नहीं चले, काम नहीं करेगा, परेशानी आएगी बहुत। और देखिए तीसरी राशि है, मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के 5वें भाव में आ गए राहु और 5वें भाव से 11वें को भी देखेंगे, तो 11वां भाव लाभ का होता है, वो भी धन का, तो धन की हानि होगी, धन का अनायास खर्चा हो सकता है, लाभ कम होगा। और क्योंकि बुध और राहु, बुध के जो बुद्धि से आप काम करते हैं, राहु के निकट आने से, अलग बुद्ध मित्र है लेकिन जड़त्व तो आ जाता है, आपके बुद्धि में जड़त्व तो आ जाएगा, यानी आप सोच नहीं पाएंगे। आपके राहु तो आपको कल्पना कराएगा मनमानी, बहुत दूर तक आपके घोड़े दौड़ाएगा, और बुद्धि आपकी फिर काम नहीं करेगी, उसमें परेशानी आएगी। तो मैं समझता हूँ आपको 9 अप्रैल से 10 मई तक और 7 मई से 26 मार्च तक का ये टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें भाव में संतान को भी तंग करेगा, संतान का भी लाभ हो तो रुक जाएगा, और 5वें भाव से देखिए 11वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, और राहु की तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियाँ होती हैं, उन दृष्टियों से जो है मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि को ज़्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। तो नुकसान को आप देखिए, यानी धन की हानि हो सकती है 5वें भाव से, 5वें भाव से चूँकि 11वें को देखेंगे, 11वां जो है भाव लाभ का भाव होता है, जहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो वो लाभ में भी केतु संकुचन कर देंगे, यानी नर्वनेस लाएंगे, लाभ कम होगा, धन की समस्या आएगी सब विषय में। और देखिए और कोई राशि मैं समझता हूँ, एक राशि और लगा लीजिए, यानी देखिए ये भी 4 राशि रही, मेष सिंह वृश्चिक, चौथी राशि मीन। मीन राशि के लग्न में पहले भाव में ही बैठ गया करके राहु और बुध और जड़ तो योग बना दिया, तो ये देखिए 9 अप्रैल से 10 मई और 7 मार्च से 26 मार्च, ये दोनों टाइम जो है आपका जब राहु का बुध का जड़ तो योग बनेगा मीन राशि वालों के लिए लग्न पर बनेगा, शरीर भी आपका काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके देखिए दाम्पत्य जीवन में असर पड़ेगा और आपके व्यापार में असर पड़ सकता है। किसके लिए? मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि का लग्न में ऐसा हो रहा है। और देखिए राहु की दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव में, तो संतान को भी परेशानी आएगी, और 7वीं दृष्टि सप्तम में और 9वीं दृष्टि भाग्य में, भाग्य में भी तरक्की रुक जाएगी, सप्तम में दाम्पत्य जीवन का परेशानी आएगी, धन की कमी आएगी। तो मैं समझता हूँ ये 4 राशियाँ सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा खर्चे पर कंट्रोल लगाइए। और देखिए राहु के बुध के भी उपाय कर सकते हैं, राहु के भी कर सकते हैं, बुध के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए, और राहु के लिए आप देखिए कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को मतलब रोटी खिलाएं, आप ब्राउन कलर का कुत्ता, देखिए शनि के लिए हम काला कुत्ता प्रेफर करते हैं, राहु के लिए ब्राउन, केतु के लिए वाइट, तो आप ब्राउन कुत्ते को रोटी खिलाइए, राहु खुश रहेंगे। और देखिए और गरीब कोड़ियों की जो कोड़ी होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, आप कुछ धन दे सकते हैं, कुछ खाना पीना दे सकते हैं, हालांकि कोड़ियों के पास तो लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको आप कुछ खिला पिला सकते हैं, उनको सेवा धन कर सकते हैं, तो राहु ठीक रहेंगे, अच्छा रहेंगे। देखिए वरना आपका देखिए कम्युनिकेशन पर असर पड़ेगा, क्या बुध है ना, बिजनेस पर असर पड़ेगा बुध है, और देखिए पार्टनरशिप पर असर पड़ेगा, सप्तम भाव पर जाएगा पार्टनरशिप, आप व्यापार में तरक्की में, और देखिए बुध की वजह से आप प्रीचिंग, आप अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देने वाले हैं, पंडित ब्राह्मण अध्यापक मैन प्रीचिंग करने वाले, तो आपके नुकसान होगा। और देखिए एबिलिटी टू आप याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी आपकी, क्योंकि बुध की वजह से आप
आप मेमोराइज करना, कोई चीज़ को याद करना भूल जाएंगे, ये सब असर पड़ेंगे इन राशियों को जड़ तोड़ों की वजह से। कौन सी? वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि और मेष राशि वालों को इस टाइम में खासतौर से। अकाउंटिंग में आपको देखिए, मार्केटिंग में और आपकी देखिए किसी चीज़ का एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये राशि चार राशि वाले थोड़ा सा सतर्क रह जा तो ठीक रहेगा। और राहु केस हैं, बुध के उपाय करें तो कुछ लाभ मिल सकता है, मैं समझता हूँ। तो मित्रों, मैं अभी विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊँगा तो अगली कुछ बात चर्चा करूँगा। नमस्कार।